लास्ट टाइम हमने पढ़ा बैटल ऑफ बर्कर, इसकी एक चीज जो रह गई थी कि इसके बाद आउटकम्स क्या थे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बी पार्ट इस रिलेटेड आ जाता है। अब हम सारे को वेरी शॉर्ट वो करेंगे, जो सबसे बड़ा इसका आउटकम है वो ये है कि मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में अरब के अंदर एक नई पावर के तौर पर इमर्ज हुए और उन्होंने इस चीज को मनवा लिया कि स्टेट ऑफ मदीना वो एक नई पावर है यहाँ अरब के अंदर। ये सबसे बड़ा इसका आउटकम है। दूसरा ये था कि मुसलमानों ने मक्का वालों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बना लिया, उनको वहां पर शिकस्त देकर, और जो एक गुरूर था इन मक्का वालों का, जो कुरैश अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते थे, यानी लड़ाई और गुरूर अंसारी वाले से, तो उनका गुरूर भी खाक में मिला कि बड़े बड़े सरदार जो थे जैसे उत्बा बली, शहबा, अबू जहल, इस तरह के बड़े बड़े सरदार जो थे वो इस जंग में मारे गए बदर में। तो उससे ये कि जो एक बड़ी पावर थी मक्का वालों की उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा, जिसके बाद अबू सुफियान मक्का का सरदार बना। और अबू सुफियान ये कहते भी थे कि बड़े बड़े सरदारों के मरने से मैं सरदार बना। फिर ये कि मक्का वालों की अपोजिशन और ज़्यादा बढ़ गई मदीना वालों के खिलाफ। अब जब हम मक्का और मदीना की बात करते हैं मक्का के फतह होने तक, तो मक्का से मुराद नॉन बिलीवर्स होते हैं और मदीना से मुराद मुस्लिम होते हैं, लेकिन कंक्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले पहले ये बात होती है। अब जो मक्का वाले थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा रिवेंज रखते थे, इन अदर वर्ड्स एक ग्रज रखना अपने अंदर, इन्हें था कि हमारे बड़े बड़े सरदार इन मुसलमानों ने मार दिए और ये छोटे कबीलों के लोग थे, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब वो और ज़्यादा तैयारी में मसरूफ हो गए, इन अदर वर्ड्स के मुसलमानों को पहले से भी ज़्यादा ख़तरा हो गया मक्का वालों से, कि दुश्मनी का जो एक ग्राफ था वो पहले से ज़्यादा ऊपर चला गया, क्योंकि अब वो चाहते थे कि हम एट एनी कॉस्ट इनको ख़त्म करके छोड़ेंगे। फिर ये कि जो नज़दीक की अदर सुपर पावर्स थी जैसे किसरा या कैसर जिसको हम कहते हैं, ईरान और रोम, पर्शिया और रोम, ये दो बड़ी पावर्स थी, उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो दी कि एक अरब के अंदर एक बड़ी ताकत निकली है, एंड दैट इज स्टेट ऑफ मदीना मुस्लिम्स। तो वो लोग भी इससे कॉन्शियस हो चुके थे। तो ये मेजर आउटकम है, आगे आप इनको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो तीसरा साल है, थर्ड ईयर ऑफ हिजरा, बैटल ऑफ उहुद, जैसा कि मैंने बताया कि मक्का वाले या मुसलमानों के बारे में एक बदले का जहन रखते थे कि इन्होंने हमारे बड़े सरदारों को मारा है। इस अब मक्का वालों की तैयारी और ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी थी, और जब उन्होंने देखा कि